वेलकम इन आवर चैनल मार्केट न्यूज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज बात करेंगे त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड की। दोस्तों, ये शेयर आजकल बहुत ही ज़्यादा एक्शन में है। पिछले कुछ दिनों में आप देखें तो इसमें बहुत ही अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट हुआ है, 10% की तेज़ी देखने को मिली है और उसके बाद भी ये हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में आज देखेंगे, इसका बिजनेस एरिया क्या है, कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर में है, आगे प्लान्स क्या है, इसका प्राइस एक्शन क्या है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। और आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ आपको अलग अलग जो भी प्राइस एक्शन वाले शेयर्स हो उसका वहाँ पे कॉल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बस चलिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। त्रिवेणी टर्बाइन एक लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टीम टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है, जिसका मार्केट में जो अपने जो सेक्टर का उसका मार्केट शेयर की बात करें तो 60% है इंडिया में। तो इसका जो 3000 से ऊपर स्टीम टर्बाइन का जो सप्लाई है वो इंस्टॉल्ड है, जो 18 इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है, वो भी 70 कंट्रीज में, यानी 70 से ऊपर कंट्रीज है वहाँ इनका सप्लाई है। यहाँ पे देखें जो मेन मार्केट है, जो डेवलप्ड मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे इनका पहुँच है, जैसे कि यूरोप है, अफ्रीका है, सेंट्रल एंड लैटिन अमेरिका है वहाँ पे है, उसका साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों यहाँ पे उनका जो मार्केट पे अच्छा पकड़ है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो किस तरह का ये मैनेजमेंट करती है, जो डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं किसी कंपनी का, तो वहाँ पे अगर बात करेंगे तो वहाँ पे भी ये प्रोडक्शन बायोमास आईपीपी का है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आईपीपी, डिस्ट्रिक्ट हीटिंग, पाम ऑयल, पेपर, शुगर, नेबल, टेक्सटाइल्स, मेटल, कार्बन ब्लैक, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ऑयल एंड गैस, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट और जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स एंड कैपेसिटी पावर प्लांट्स, इन सब चीज़ों के लिए वो अलग से जो होता है त्रिवेणी कैटर्स टू वेरी जो होता है, जो इसका डाइवर्सिफिकेशन है। और जो त्रिवेणी ग्रुप ऑफ कंपनीज का फोकस किस चीज़ पे है तो वहाँ देखेंगे तो कॉन्ग्लोमरेट हैविंग डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग, को जनरेशन, क्लीन वाटर सॉल्यूशन, जो वाटर क्लीन करने के लिए जो सॉल्यूशन होते हैं वो डिस्टिलेटरी और शुगर में प्रोवाइड करते हैं। और वहाँ पे देखें त्रिवेणी कैपेबिलिटी हैज़ बीन इन प्रिसीजन इंजीनियरिंग एंड हैज़ बीन इन फोरफ्रंट फॉर ओवर 4 decades नाउ, यानी जो 40 साल से मान सकते हैं इन चीज़ों में ये मार्केट में है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। द ग्रुप इज ए मार्केट लीडर इन इंजीनियरिंग बिजनेस एंड ऑफर स्टेट ऑफ आर्ट सोल्यूशन ऑफ द टर्बो जनरेटर आइलैंड एंड इंडस्ट्रियल गियर बॉक्सेस, जो इंडस्ट्रियल का जो टर्बो जनरेटर है और जो गियर बॉक्सेज है उसमें इनका अच्छा मार्केट पर पकड़ है। और वहाँ पर देखेंगे तो ये अलग अलग प्लांट भी है इनका इंडिया में। तो दोस्तों, इसका बिजनेस एरिया की बात करेंगे तो बिजनेस एरिया में देख सकते हैं कंपनी क्या है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई है, मेनली इनका मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई का बिजनेस है। स्पेशली किस तरह की बात करेंगे तो वहाँ पे वेल मैनेज 24/7 कंप्लीट कस्टमर शेयर केयर प्रोवाइड करते हैं नेटवर्क। त्रिवेणी टर्बाइन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विस इन द इंडस्ट्री एंड इनोवेटिव प्लेयर एंड स्ट्रेटजिक अप्रोच मेक्स त्रिवेणी एंड एमिनेंट फॉर रनर इन द स्टीम टर्बाइन इंडस्ट्री। इनका प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट है त्रिवेणी टर्बाइंस रोबस्ट बैक प्रेशर एंड कंडेंसिंग स्टीम टर्बाइंस अप टू 100 megawatt दैट वर्क अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर एंड फ्लो एप्लीकेशन। जो भी यहाँ पे देख सकते हैं जो 30 megawatt के रेंज में क्या कंडेंसिंग स्टीम टर्बाइंस है, जो स्ट्रेट कंडेंसिंग टाइप होता है, एक्सट्रैक्शन कंडेंसिंग टाइप, ब्लीड कंडेंसिंग टाइप एंड इंजेक्शन कंडेंसिंग टाइप, तो ये कंडेंसिंग का है उसमें है। वहाँ पे बैक प्रेशर स्टीम टर्बाइन यहाँ पे इनका बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा है और इनका डिमांड भी मार्केट में ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 30 to 100 का है वहाँ पे भी कंडेंसिंग स्टीम टर्बाइंस है जो अनकंट्रोल्ड होता है एंड बैक प्रेशर स्टीम टर्बाइंस में जो अनकंट्रोल का एक्सटेंशन जो हाई मेगावाट में आ रहा है। और सब्सिडरी की बात करें तो वहाँ पे जीई त्रिवेणी है, ये ज्वाइंट वेंटर है उनका त्रिवेणी और टर्बाइन जो का जीई ऑयल एंड गैस का जो 2010 में फॉर्म किया गया था, तो यहाँ पे उसके बारे में भी यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्म किया और इसी से रिलेटेड एक न्यूज आई है उस पर भी चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊँगा क्या न्यूज है।
तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में मैंने बता दिया कि इसका बिजनेस एरिया क्या है। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, इसका प्राइस पैटर्न देखते हैं, टेक्निकल देखेंगे, इसका फाइनेंशियल्स। यहाँ देखिए तो इसका प्राइस है जो 178.40 है, आज के दिन में 0.1% का उछाल है इसमें। इसका मार्केट कैप देखें तो 5,811 करोड़ है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 8.67 है। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब की बात करें तो वो 32 करोड़ के आसपास है, जिसका फेस वैल्यू 1 है। यहाँ पे फाइनेंशियल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फाइनेंशियल्स में मैं हमेशा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस की बातें करता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो कैश जनरेट करती है कंपनी वही आपको डिविडेंड पे कर सकती है। तो कैश जनरेशन की बात करें तो यहाँ फ्रॉम ऑपरेशन से 187 है, जो कि अच्छा है, बहुत ही अच्छा है इस बिजनेस के लिए से। यहाँ पे चार्ट की बात करें आप देख सकते हैं, 2017 में इसका एसेट एंड लाइबिलिटी 643 करोड़ था, लेकिन वही बढ़कर 2021 में 4 सालों में ये 941 करोड़ हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ माना जा सकता है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर ने 67.78% रखा है, पब्लिक 32.22% है, लेकिन जो सबसे हाईलाइट बात है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे है DII और जो FII इसका होल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं FII ने 14.39% का स्टेक ले रखा है इसमें, और DII ने 13.17, जो कि बहुत बड़ी बात है, इतना स्टेक अच्छे अच्छे शेयरों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये अलग से कॉन्फिडेंस देता है कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत सही जगह है, आने वाले दिनों में इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। और इसमें देखने को मिल रही है कि इसका तेजी बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रहा है, बहुत अच्छे से इसमें प्राइस में बहुत ही अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। यहाँ टेक्निकल्स की बात करें देख सकते, आपने कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो आपको अच्छा रिटर्न मिला है। देख सकते हैं 1 ईयर में 150%, 6 मंथ में 77%, 3 मंथ में 43%, 1 मंथ में 21%, 1 वीक में 24%, 1 डे में 1.04%। तो यहाँ पे हर लेवल पे आपको प्रॉफिट ही दिख रहा है। यहाँ पे सुपर ट्रेंड मैं आपको दिखाऊंगा, सुपर ट्रेंड 150 के ऊपर पॉजिटिव दिखा रहा है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ पे आपको बोल सकते हैं पॉजिटिविटी, और जो एक बोलते हैं प्राइस पैटर्न में जो पॉजिटिव वे में जो इसका मूवमेंट है वो इंटैक्ट है। यहाँ से ऊपर की तरफ और मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, जब तक इसका RSI पॉजिटिव है और सुपर ट्रेंड पॉजिटिव दिखा रहा है, तब तक इसमें आपको और भी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अपडेट्स की बात मैं करूँगा, तो अपडेट्स क्या निकल के आया देख सकते हैं। इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर अर्लियर डिस्क्लोजर, जो 6 सितंबर के हिसाब से जो इन्होंने अपना इन्फॉर्म किया था एक्सचेंज को कि सेटलमेंट और जो एग्रीमेंट था, जो इसका जॉइंट वेंचर है, उसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनी जो 2013 के अनुसार है, जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है एंड अदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ GE त्रिवेणी लिमिटेड, जो GE इन सब्सिडरी है, उसके बारे में इन्होंने बताया है कि जो इनक्लैट से जो डिस्पोज हुआ था, विड्रॉ हुआ था, उसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि अ कॉपी ऑफ इनक्लैट ऑर्डर 17 सितंबर इज अटैच, यहाँ पर उन्होंने अटैच करके दिखाया था। चलिए मैं वो आपको या PDF दिखा देता हूँ। इन्होंने इसके बारे में दिखाया कि एक कॉपी ऑफ इनक्लूड यहाँ पे अटैच करके बताया कि कितना वहाँ पे जो खर्चा हुआ है उसके बारे में बताया इन्होंने कि RS जो R24 करके यहाँ पे उतना इसमें डिटेल्स नहीं, जैसे इसका जो फाइनल सेटलमेंट के बाद का जो आएगा तो मैं उस पर आपको पूरा डिटेल वीडियो करके बताऊँगा कि इसके बारे में और इससे रिलेटेड क्या न्यूज है। तो अभी जो इसका इन्फॉर्मेशन था वो बस इसने अभी बताया है कि कॉपी करके, जब भी फाइनल इसका जजमेंट आता है और रिलेटेड इसकी न्यूज आती है तो मैं उस पर वीडियो बनाकर बताऊंगा। इसकी प्राइस पैटर्न अभी देख सकते हैं, इन सब चीज़ों के कारण, ऐसी न्यूज़ के कारण इसमें बहुत ही अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिला है, लेकिन इसका बेस माने तो वो फाइनेंशियल्स है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं डिलीवरी यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा है। उस दिन क्या हुआ कि सीधा 9-10% का पहले उछाल आया, उस दिन 20% डिलीवरी आई, अगले दिन 9% का उछाल आया, फिर 8% की डिलीवरी, फिर 5% का उछाल आया, 14% की डिलीवरी, लेकिन वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा था, लगभग वॉल्यूम आप 5 गुना 10 गुना देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से डिलीवरी लाजमी है कि ज़्यादा नहीं होगी, और अगर शेयर सर 10% और 5% उछले तो उस दिन नॉर्मली डिलीवरी कम ही होती है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये प्राइस में VWAP आपको देख सकते हैं, यहाँ पे VWAP
155 का है, वहाँ पे 170 का है, और इसके बाद देख सकते हैं 184। तो जो 170 और 184 का यहाँ पे आपको अच्छा खासा इसके बीच में सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है इसके आसपास। तो दोस्तों यहाँ पे आपको और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो ऑल टाइम हाई वन ईयर का हाई है 187.55। यहाँ से आपको 187 ऑल जो वन ईयर का हाई है वो भी उसके ऊपर भी आता हुआ दिख सकता है ये शेयर दोस्तों। तो ऐसे ही इसमें आप प्राइस सेट कर सकते हैं जिसका हाई है उसके लिए। और इसमें आप स्टॉप लॉस जो है बहुत ज़रूरी है, अगर स्टॉप लॉस आप यूज करना चाहते हैं तो आपको मैंने यहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज या 5 डे भी मूविंग एवरेज आप सेट कर सकते हैं, जो मैंने टेक्निकल्स में बताया था। 5 डे मूविंग 172 का है, 172.75, या 20 डे में करेंगे तो बहुत ही नीचे हो जाएगा, तो वहाँ आपको लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का यूज करें। और यहाँ पे आपको ऊपर का टारगेट आप अच्छा सेट कर सकते हो, 187 का वो है, उसके बाद आपको 200 का जो आपका लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल वो आता हुआ भी दिख सकता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।